यात्रा सुखदाई होता है, यात्रा में एक आनंद होता है, वो देखे कभी यात्रा कितना आनंदमय हो रहा है। जोन्हा स्टेशन तक हम ट्रेन से आए। कुछ समय पहले तक हमें पता नहीं था कि जोन्हा नाम का रेलवे स्टेशन भी है। जब पढ़े कहीं पे तो लगा कि ट्रेन से यात्रा करना चाहिए। अब कोई गाड़ी नहीं मिल रहा, टेम्पो उम्पू भी नहीं है। अब आपको ये बैसाख के गर्मी में आराम से सूरज का सन बात करते हुए चला जाना है। ज़्यादातर ये जनजाति क्षेत्र है, यहाँ जो लोग हैं वो मुंडा जनजाति या बेदिया लोग रहते हैं। यहाँ के कुछ महिलाओं से मैं बात की एक दुकान के कारण, तो वो लोग जो हैं पंच परगनिया भाषा बोलते हैं। जब हम जनजाति और क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं तो पंच परगनिया, कुरमाली, संथाली, मुंडारी, हो, खोरठा, बहुत सारे भाषा हैं जो क्षेत्रीय हैं, जनजातीय भाषा हैं। वो हिंदी नहीं समझ पा रहे थे। एक महिला कुछ हिंदी कुछ दूर बोली, उसके बाद उसे भी समझ नहीं आ रहा था। और ये मुश्किल से रांची से 30-35 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए भाषा का जो गुमान है, चाहे इंग्लिश के रूप में या हिंदी के रूप में, वो भी कब न कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलता है। अब देखिए, इसी तरह पैदल चलिए, जाके जलप्रपात देखिए। और जलप्रपात जाने के बाद पता चलेगा पानी का एक बूंद गिर रहा है या गिरना भी बंद हो गया। तो ये जो है ये असली यात्रा है, अगर आप इस तरह से यात्रा करते हैं। वरना ठंडी गाड़ी, अगर वातानुकूलित गाड़ी या निजी वाहन से आप वहाँ तक चले गए, फ़ोटो डाल के चले आते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन इस रूप से जब आपको डांडी मार्च करते हुए गर्मी के दोपहर में चलना पड़ता है और मुंह भी चलाना पड़ रहा है, तो इसका अलग मज़ा है। आगे एक गांव है, इसका नाम भी है गौतमधारा। गौतमधारा जलप्रपात का भी नाम था और रेलवे स्टेशन भी है गौतमधारा के नाम से। ये भी नहीं पता था क्या होता है एक्चुअली। ये इतने विशाल देश में इतनी जानकारियां हैं कि हर पे आपका नियंत्रण, हर चीज़ आपके दायरे में नहीं संभव है। जितना ज़्यादा भटकिएगा देखिएगा, उतना ज़्यादा आपका ज्ञानवर्धन होता है, नई नई चीज़ें मिलती है। या ये कह सकते हैं कि हम ही इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। हेलो, ए टेम्पू, जोन्हा जाके टेम्पू मिलता है? मिलता है, मिलेगा, वो तो आ रहा है। एक आदमी ने कहा कि गाड़ी बुक कर लीजिए। राइट यार, कांग्रेसी आदमी है, गाड़ी उड़ी नहीं बुक करते हैं, सब के साथ लद छप के जाएंगे। जो कुछ हो तब सोचा जाएगा, दिन के लिए गाड़ी बुक करना अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे सारे संपार फाटक जो हैं, जोन्हा जाते हैं सर? जोन्हा सीधा फॉल। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? बस हाफ किलोमीटर। सीधा आगे है सीधा? सीधा वो ज़्यादा पड़ेगा आपको, 500 किलोमीटर। टेम्पू जो जाता है, टेम्पू नहीं जाएगा। अच्छा, टेम्पू के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है। राइट। देखिए, टेम्पू वाला ही बोला कि टेम्पू नहीं जाता है। आगे लिखा हुआ है जोन्हा फॉल। इसको बोलते हैं बेकरारी यात्रा का, कि अनुकूल मौसम में नहीं जाके आप प्रतिकूल मौसम में जलप्रपात को देखना चाहते हैं। अक्सर हम लोग जो हैं सुविधा भोगी यात्रा ज़्यादा करते हैं लोग, और अपने आप को घुमक्कड़ साबित करते हैं। घुमक्कड़ तो एक अवस्था है, कई वर्ष के बाद वो प्राप्त होता है किसी को, थोड़ा थोड़ा यात्रा करने से। ये रोड जो दिख रहा, ये रोड जो है आगे के एक गांव जाने के बाद समाप्त हो जाता है। ये महुआ का पत्ता बड़ा अच्छा भी आया है अभी जो है।
ये जो है ये सारी महिलाएं जो हैं इन्हीं लोग से मैंने बात किया था। मोबाइल भी बंद हो जाएगा गर्मी से। ठीक है दोस्तों, वहां जाने के बाद देखते हैं अगर लाइव हो पाएगा तो करेंगे। आगे चल कुछ रास्ता में ठीक है भाई, यह रास्ता जाता है ना जोना 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 फॉल फॉल इधर है। फिर हमसे गड़बड़ हो जाता है, लिखा हुआ है फॉल पार्क। अच्छा फॉल पार्क ये दिया हिंदी समझ में आ रहा है। एक महिला जो है लगता है लीडर के जैसा, वो हिंदी जान रही थी। एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, उससे पूछे कि तुम हिंदी समझते हो तो हाँ, हमने तुमको हिंदी कौन सिखाया, तो हम स्कूल में पढ़ते हैं। भाषा के बारे में कहा जाता है कि भाषा जो है जाति के जैसा, जैसे कि हम लोग कहते हैं दबंग होता है जाति, उस तरह से भाषा के बारे में कहा गया कि भाषा भी दबंग होता है। हिंदी भाषा जो है अन्य क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब तमिल तेलुगु नहीं, मतलब उस हिंदी के ही जो उपशाखाएँ जैसे हैं उस पर हावी हो जाती है। जब हिंदी फिल्में रिलीज होती है तो भोजपुरी फिल्में दब जाती है, अन्य जो भाषाएँ फिल्में हैं उसका लोग डेट बढ़ा देते हैं। हॉलीवुड की फिल्में आती है तो हिंदी फिल्मों का डेट बढ़ जाता है, तो एक भाषा के ऊपर दूसरे भाषा का भी दबंगा ही चलता है। उसी तरह से जब बड़े बजट की फिल्में आती है हिंदी की, तो गुजराती फिल्में या जो अन्य फिल्में, वो सबका डेट बढ़ जाता है। इस समय क्या है कि जो हरियाली है एक अलग तरह का हरियाली है। पलाश का जो पेड़ है उसका पत्ता बदल गया, और